अगर मैं आपसे कहूं कोई डरावनी चीजों के बारे में बताइए तो आपके दिमाग में पहले भूत, राक्षस, चुड़ैल ऐसी चीजें आएंगी, लेकिन उनसे भी ज्यादा डरावनी चीजें हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्शियस इंजीनियर में। अगर मैं आपसे कहूँ कोई डरावनी चीजों के बारे में बताइए तो आपके दिमाग में पहले भूत, राक्षस, चुड़ैल ऐसी चीजें आएंगी, लेकिन उनसे भी ज्यादा डरावनी चीजें हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। और ये कोई रैमसे की फिल्म से निकले जीव नहीं है, बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्पेस ट्रैवल। डार्क मैटर। हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉइड्स, ये सब मिला के सिर्फ 5% होते हैं। साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट के मुताबिक बाकी अराउंड 25% पार्ट डार्क मैटर कवर करता है। ये परसेंटेज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम इंडिया को अपना यूनिवर्स समझे तो इंडिया का टोटल एरिया है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसका 5% होता है 1,64,350 स्क्वायर किलोमीटर, जो अराउंड आंध्र प्रदेश या ओडिशा के स्टेट का एरिया है। और 25% होता है 8,21,750 स्क्वायर किलोमीटर, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन तीनों को मिला के होता है। इससे आपको ये अंदाजा होगा कि डिफरेंस कितना बड़ा है। डार्क मैटर हमें दिखाई नहीं देता, ना ही हम उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को ये पक्का यकीन है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सब कुछ उसी की ग्रेविटी के आजू बाजू में घूमता रहता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये किसी स्पाइडर के जाल जैसा है, जो सारी फास्ट मूविंग गैलेक्सीज को बांध के रखता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि जब स्पेस रिसर्चर्स किसी दूर की गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उन्हें वो डिस्टॉर्ट हुई दिखाई देती है। रिसर्चर्स के पास डार्क मैटर की बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो एक्चुअल में फिजिकली कैसा होता है। कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि ये किसी अननोन पार्टिकल्स से बना हुआ है, ऐसे पार्टिकल्स जिसे अभी इंसान नहीं जानता। और कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि ये ग्रेविटी की कोई अनसुलझी प्रॉपर्टी है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन डार्क मैटर एक बहुत बड़ी अनसुलझी मिस्ट्री है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी स्पेस रिलेटेड स्टोरीज, मिस्ट्रीज पसंद है तो हमारा एक और वीडियो है जिसमें हमने एलियन साइटिंग्स के बारे में बताया है, ऊपर आई बटन में आप वो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डार्क मैटर यूनिवर्स का 25% कवर करता है, नॉर्मल मैटर 5% कवर करता है, तो बाकी 70% क्या है? रिसर्चर्स का ये मानना है कि बाकी का 70% पार्ट डार्क एनर्जी ने कवर किया है, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये पूरे के पूरे गैलेक्सीज को तबाह कर सकती है। अगर हम डार्क मैटर को देखें तो हमने देखा है कि वो ग्रेविटी की तरह काम करता है और मल्टीपल गैलेक्सीज को बांधे हुए रखता है। लेकिन हम अगर डार्क एनर्जी के बारे में देखते हैं तो वो सारे गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। हमें ये पता है कि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपांड होता है, मतलब सारे गैलेक्सीज स्लोली एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन ये जिस स्पीड से होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा तेज हो रहा है। साइंटिस्ट को लगता है कि इसके पीछे डार्क एनर्जी हो सकती है। अगर ये डार्क एनर्जी से हो रहा है तो वो कहां से आती है? कुछ लोगों को लगता है कि क्वांटम पार्टिकल्स के टकराने से डार्क एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कोई भी दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होने वाला है दोस्तों। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी घटना या ऐसा फेनोमेनन है जिसमें दो पार्टिकल्स जो टोटली यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट में है उनको लिंक करता है, और लिंक करता है मतलब उन दोनों के बिहेवियर और अदर प्रॉपर्टीज को कॉपी पेस्ट जैसे बिल्कुल सिमिलर कर देता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्लासिकल फिजिक्स के लिए एक सरदर्द या एक रुकावट बन गया है। आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई? तो वो इसलिए क्योंकि ये बहुत से फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज को टोटली ब्रेक करता है, और वो ऐसे ऐसे लॉज को ब्रेक करता है जिन्हें ब्रेक करना पहले हमें नामुमकिन लगता था। पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल फोटॉन्स जिनसे लाइट बनता है, उनको एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, जैसे कि लाइट ईयर्स दूर है, तो उन्हें उनके सिग्नल्स को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट सिग्नल्स भेजने होंगे। जो भी ऑब्जेक्ट्स हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनमें जो भी चेंज होता है वो उनकी सराउंडिंग्स के वजह से होता है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट में किसी चीज का जो लाखों किलोमीटर दूर है उसका दूसरी चीज को अफेक्ट करना बहुत ज्यादा डरावना है। दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मैं 2 दिनों में डालने वाला हूँ, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस सब्सक्राइब बटन के साथ अभी क्वांटम एंटेंगलमेंट कर देना। एंटीमैटर, जरा आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां पे सब कुछ उल्टा है, ब्लैक कलर व्हाइट है, ऊपर का मतलब नीचे है, और मैटर एक एंटीमैटर है। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनसे हमारे आजू बाजू जो भी है वो बना है, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन तीनों के थोड़े डरावने वाले काउंटर पार्ट्स है जिन्हें एंटीमैटर के नाम से जानते हैं।
उनका एटॉमिक मास नॉर्मल पार्टिकल्स की तरह ही सेम होता है, लेकिन उनका इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्कुल उल्टा रहता है। इसी के वजह से नॉर्मल पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में आते ही एंटी मैटर उन्हें अपने साथ खत्म कर देता है। इसलिए एंटी मैटर इतना पावरफुल है कि वो हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स को, गैलेक्सीज को आराम से चुटकियों में खत्म कर सकता है। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्स में बहुत ही कम क्वांटिटी में एंटी मैटर है। इसका एक छोटा सा पार्ट या एक अलग ग्रुप हम पेट स्कैन में देख सकते हैं। इसका पॉजिटिव साइड यह है कि जब मैटर और एंटी मैटर रिएक्ट करते हैं तब उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी डॉक्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है। पेट स्कैन में एंटी इलेक्ट्रॉन्स के मदद से कैंसर जैसे डिसीज का इमेजिंग और डायग्नोसिस करने में बहुत हेल्प होती है। हमारा आज के टॉपिक का लास्ट पार्ट है फर्मी पैराडॉक्स। हमारा यूनिवर्स काफी बड़ा है, काफी बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसकी साइज के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, और इस साइज में हम इंसान ना के बराबर है। लेकिन इस वक्त हमारे जानकारी में सिर्फ हम ही इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्मी पैराडॉक्स इसी विषय पे आधारित है। इतने बड़े यूनिवर्स में और भी लाखों सिविलाइजेशंस का होना और उसी वक्त उनके बारे में कोई भी एविडेंस ना होना, ये है फर्मी पैराडॉक्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट टू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद।